तो बहुत दिन से एक पिक्चर चल रही थी। पिक्चर ये चल रही थी, विपक्ष दिखा रहा था रैली में, राहुल गांधी भी कह रहे थे, अखिलेश ने भी कहा था, तमाम नेता विपक्ष के कह रहे थे कि देखिए ऐसा है कि सब कुछ ईवीएम में है सेट, इसलिए जीत जाती है बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, ईवीएम ये हो सकती है, वो हो सकती है, तमाम सवाल। इसलिए देश का सवाल सबसे पहला यही था कि अब रैली से जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, जो पिक्चर दिखाई जा रही थी, उस पिक्चर का दी एंड आज हो गया। दूसरा बड़ा सवाल, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मतलब चुनावी प्रक्रिया जब विदेश तक जो है से तारीफ आती है इलेक्शन कमीशन की कि किस तरीके से इतने बड़े देश में 90 करोड़ जहां पर वोटर हों, कितनी कॉम्प्लेक्स, देखिए इस वक्त टेम्परेचर प्रोसेस, एक एक जगह पर आपको मतदान कराना है, और ऊपर से आप इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठाएं और ईवीएम की बात करें, तो क्या चुनावी प्रक्रिया को भटकाने की कोशिश थी ये? और इसका आज भंडाफोड़ हो गया। तीसरा, क्या ईवीएम पर विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा था? जैसा मैंने पहले भी कहा, जीते तो स्वीकार, हारे तो ईवीएम जिम्मेदार। और चौथा और सबसे अहम सवाल, क्या विपक्ष अब ईसी पर सवाल उठाना, क्योंकि आयोग पर सवाल उठते हैं ना, बंद कर देगा? तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी हैं बीजेपी से, दीपक झा हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ एडवोकेट के शर्मा हैं राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से, हमारे साथ एडवोकेट संजय राणा हैं राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ अजय प्रकाश जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक भाई, बहुत बार हमने इसको लेकर के चर्चा की, आपने कहा नहीं है, है कोती है, तमाम चीज़ें होती हैं, ये है वो है। अब अगर मैं आपके ही जो नेता हैं उन्हीं की भाषा में कहूँ, राहुल गांधी की राजा की जान ईवीएम में, आज तो राजा की जान ईवीएम से बाहर आ गई ना, अब तो ईवीएम पर सवाल उठाना बंद, सुप्रीम फैसला। दीपक, आवाज आई? दीपक कपीश जी, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल तो देखिए अखिलेश जी ने, अखिलेश भी उठा रहे थे, और उसमें ये कह रहे थे नहीं ईवीएम पर तो सवाल उठता ही है, बनता ही है, इससे पहले भी, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही था विपक्ष पर कि जीते तो स्वीकार, हारे तो ईवीएम पर ईवीएम जिम्मेदार, यही तैयारी हो रही थी ना, अब तो नहीं होगी। सबसे पहली चीज तो ये देखना चाहिए, राजा की जान ईवीएम में है ये हम क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की ये सबसे छोटी पीठ है, पहली दो लोगों की बीच, अभी इसके ऊपर तमाम पीठें, पांच की भी है और संवैधानिक पीठ, अभी तो इस पर कई अपीलें प्रारंभ है, विध में अभी जगह है अपील की, आप हमारे अपील का राइट नहीं छीन सकते। हाँ एक बात हम जरूर, मुझे सिर्फ एक बात ये बता दें कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय इनके जीवीएल नरसिम्हा राव जो राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उन्होंने बकायदा ईवीएम की हैकिंग पे किताब लिखी थी, और उस किताब को का विमोचन जो है लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने किया। तो यूपीए में जो ईवीएम थी क्या वो अलग थी, जो पक्षपात करती थी, जो हैक होती थी, जिसके तरीके उन्होंने लिखे थे, जिसका लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने विमोचन किया था, और अब की ईवीएम निष्पक्ष हो गई है साहब, अब की ईवीएम निष्पक्ष हो गई है। और तमाम डेमो देखने को मिला, अभी केरल के अंदर आपको देखने को मिला है कि किस तरीके से आपके सामने चीजें आई हैं कि एक बटन दबाओ, कोई बटन दबाओ, कमल के फूल को वोट जा रहे, ईवीएम खराब, तो खराब होती है ना। और मैं तीसरी चीज पूछ रहा हूं, 2016 से लेके 2018 के बीच में ये आरटीआई है और कर्नाटका हाई कोर्ट में केस था कि 18 से 19 लाख ईवीएम मिसिंग है, जो दो कंपनियों में बनाने के नाम पर भेजा गया था,
रिपेयरिंग के लिए, उसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। तो कपीश जी, चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि भरोसा है कि। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के मुख्य न्यायमूर्ति ने क्या कहा था कि जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी उसमें मुख्य न्यायमूर्ति भी एक व्यक्ति होंगे। लेकिन मोदी साहब को यह मंजूर क्यों नहीं था कि देश की न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति पर भरोसा नहीं था कि आप पहले एक ऑर्डिनेंस लाए, फिर आपने उस पर कानून बना करके उनको रोक दिया कि नहीं मुख्य न्यायमूर्ति नहीं होंगे बल्कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होगा, यानी कि दो एक से यस मैन की नियुक्ति आप करेंगे। सर विपक्ष का भी तो है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। तो दो एक का होगा ना मेरे भाई, इसीलिए तो कहा कि यस मैन की हमें। तो मतलब मैं और बाकी पैनलिस्ट भी, मतलब दो दो क्रक्स है। ईवीएम पर सवाल जारी रहेंगे, एक तो अपील का मौका मैं ये मानूं है ना, ईवीएम पर सवाल जारी रहेंगे कि ईवीएम हैक होती है, तमाम होती है, और दूसरा ये इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाना, या इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर भी सवाल जारी। नहीं उठा रहे, ये हम नहीं उठा रहे, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को रखा था, ये आप इनसे पूछिएगा जरूर, और ये आपके भी दिल में प्रश्न होना चाहिए, मीडिया के भी दिल में कि आखिर क्या बात है। सर वोटर प्रभावित नहीं होता क्या? धनंजय जी विधायिका, मतलब धनंजय जी अभी कल ही देखिए कन्नौज से जो है, कन्नौज से अखिलेश आए, पर्चा भरा, इतनी भीड़, भाई वो इसी जीते तो इसी ईवीएम से जीतेंगे, तब स्वीकार होगा, तब भी कहेंगे नहीं हो सकता है इसमें भी गड़बड़ी रही होगी, हो सकता है इसमें भी कुछ रहा होगा। वायनाड से राहुल जीतेंगे तो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी लेकिन पता नहीं कैसे जीत गया। धनंजय गिरी, देखिए सबसे बड़ी बात है, आप कन्नौज से अखिलेश की बात कर रहे थे, कन्नौज से अखिलेश का आना इस बात की तस्दीक करता है कि सपा का सफाया हो गया है, अंतिम किला लड़ रहे हैं, और यहाँ भी स्थिति जो उनकी गड़बड़ ही दिख रही है, ये सपा अंतिम किला भी नहीं बचा पाएगी। 14, 17, 19, 22 चार में हो गई सफाई, अब सफाई कहीं नहीं खोजने से मिलेंगे मेरे भाई। तो उसके बाद आप देखिएगा, तो ये आपके ईवीएम पर सवाल जो विपक्ष का है वो आइडियोलॉजिकल है कि टेक्निकल है? अगर टेक्निकल है तो आप उसमें मशीन है, उसमें 17 जून 2017 में चुनाव आयोग ने कहा था कि कोई आए इसको साबित कर दे, इसमें क्या कमियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, उसको ठीक कर देंगे, ओपन है, ओपन एंड सबको बुलाया था। और अगर प्रश्न पॉलिटिकल है तो आपने तेलंगाना जीता, कांग्रेस ने जीता, आपने कर्नाटका जीता, आपने हिमाचल जीता, तो आप सब जगह से इस्तीफा दे दीजिए और कहिए कि हमें इस पर भरोसा नहीं है, हम किसे चुनाव कराए जाए। लेकिन आप क्या है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सबसे पहले राजीव गांधी इसको लाए, ऑर्डिनेंस पास किए इसके लिए नरसिम्हा राव, 2004 में पहली बार चुनाव हुआ यूपीए की सरकार बनी, 2009 में दूसरी बार चुनाव हुआ यूपीए की सरकार बनी, तो सब कुछ ठीक था। ये लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री करते हैं केजरीवाल दिल्ली में तो सब कुछ ठीक है, पंजाब में कांग्रेस साफ हो जाती है, झाड़ू मार देते हैं केजरीवाल तो सब ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जीतते ही छाती पीटना शुरू होता है, कहते हैं कि क्यों कर रहे हैं 400 पार, भाई जनता के साथ काम कर रहे हैं हम, जन सरोकार कर रहे हैं हम, आप क्यों हो रहे हैं सफा, क्योंकि आपने तो भाई आप सफाई में महोत्सव कराएंगे, हम आम आदमी का घर बनवाएंगे, गांव गरीब किसान के टॉयलेट बनवाएंगे, उनके जीवन को सुधारेंगे, उनको किसान सम्मान निधि पहुंचाएंगे, तो हम नेचुरली हम आगे आएंगे। दूसरी बात, इस बार भाजपा भूगोल में मिलेगी और कांग्रेस इतिहास में मिलेगी। अब आप बताइए कैसा गठबंधन है जहां माननीय अखिलेश जी क्या कहते हैं, उनको ये लोग क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम कहना भी नहीं चाहते। दूसरा, केरल में चुनाव हो रहे हैं, वहां एनी राजा राहुल बागपा का बजा रही है बाजा, और पूरे कम्युनिस्ट से आपका आपका गठबंधन है पूरे देश में। ये कैसा गठबंधन है कि जिसके साथ गठबंधन है उसी से लठबंधन है, और आप कहते हैं कि आपकी सीटें नहीं आ रही, तो कैसे आएंगी सीटें? एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया इन्होंने। सवाल का जवाब तो कोर्ट ने दे दिया है, सवाल का जवाब तो कोर्ट दे रहा है, आप दे दो कि आप ईमेल नरसिम्हा राव जो नहीं है किताब लिखे वो फर्जी है, मशीन करो, और अभी तक नरसिम्हा राव ने जो किताब लिखी आप पढ़ लिख के वकील बने हैं ना, तो जो न्यायालय ने टिप्पणी की उस टिप्पणी करो, नरसिम्हा राव ने जो बोला था देश को भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, मैं मान लूंगा। आप कह सकते हैं ना, ये तो आपके संस्कार हैं, और क्या आप कह दीजिए कि उन्होंने किताब
अच्छा ये बताइए, वो उन्होंने किताब लिखी थी कि मैं आप दोनों को लेकर के आता हूँ स्क्रीन में, क्योंकि आपके नाम गलत चल रहे हैं, मैं इसको ठीक करवाता हूँ। कपीर जी, मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है ना, मैं तो कह रहा हूँ वो चलिए ठीक है कर्नाटक का एग्जाम्पल है, अब अखिलेश भी चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अगर आ जाती, इससे पहले अखिलेश जीत करके आए थे, ईवीएम से आए थे ना, तब ईवीएम भी है, तब नहीं है कोती थी, अभी है कोती है, अभी खराब आई है। कपीश जी, आप और धनंजय जी, अगर स्क्रीन पर धन्यवाद दे दें कि आपने कम से कम मुझसे प्रश्न किया, मुझको अवसर दें। अच्छा एक बात बताइए, चोरी होती है ना, सबके घर होती है क्या? चोर जानता है ना कि उसको किसके घर में चोरी कर, क्योंकि व्यवस्थाएं उसके हाथ, अगर व्यवस्था उसके हाथ में ना लेना होता तो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से मुख्य न्यायमूर्ति को बाहर क्यों कर? क्या आपको लगता है इस देश के मुख्य न्यायमूर्ति जो है वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, ठीक नहीं है, इसलिए उनको नहीं होना चाहिए, और इसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर को ले आना चाहिए, ताकि कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो एक ही सरकार के एक ही पार्टी के हिस्से हैं, वो लोग एक यस मैन की नियुक्ति कर लें 8 घंटे के अंदर। अरे चपरासी की नियुक्ति नहीं होती है 8 घंटे में, ये इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं 8 घंटे में। आपके सामने है, इनसे प्रश्न पूछिए कि जीवल नरसिम्हा राव ने जो किताब लिखी हैकिंग पे, जो आडवाणी साहब ने विमोचन किया था, वो फर्जी किताब थी, झूठ बोलते थे क्या या झूठ बोल रहे? उस समय जो ईवीएम थी वो फर्जी काम करवा रही थी, इस समय की पक्षपाती नहीं है, ये तो नहीं कह पाएंगे। इन्होंने कहा है, इन्होंने किताब लिखी, मैं जवाब दे दूं, और इनसे पूछ लीजिए 18-19 लाख ईवीएम जो मिसिंग है वो कहां है? पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए भेजे कि तालिबान में, क्योंकि ये हिंदुस्तान में तो कराते नहीं, पूछ लीजिए इनसे कहां है। हेलो जी, बोलिए धनंजय, जवाब दीजिए। मैं ऐसे जगह बैठा हूं कि मेरे सामने टीवी नहीं है, इसलिए स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा। दूसरी बात, जिस तरह शालीनता से भाई साहब को मैंने सुना, उतनी शालीनता से मैं उनके भी सुनने की उम्मीद करता हूं, लेकिन नाम के अनुरूप स्वभाव करके बीच में ना बोले, मेरी बात को गंभीरता से सुन ले, जितनी गंभीरता से मैं कर रहा हूं मैं कर दूंगा तो फिर आप बीच में कूद के, आप बीच में कूद के चले आते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दे, पिछली बार भी आपने बोला, पिछली बार मैं एक एक करके उत्तर दे देता हूं। आपने कहा पाकिस्तान में चुनाव कराएंगे, आपकी आपकी मंशा वही लड़ने की है, आप अगली बार तो वही लड़ने जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो चार चुनाव है वो पाकिस्तान में, आप वही ये तो आपको भाई साहब। आपने एक रिक्वेस्ट की थी, ऐसा है कि जब मैं बोलूं आप ना बोले, सर वही रिक्वेस्ट तो फिर इन्होंने भी की, एक बार सुन लेते ना उनका पॉइंट। भाई आप आज के फैसले से मुतमईन नहीं है, आप राजा की जान, मतलब आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, खुश क्या मतलब मुतमईन नहीं है, आप बताते रहेंगे ईवीएम हैक हो सकती है, जब जीत जाएंगे तो कहेंगे कि भैया हमारे घर में उन्होंने चोरी नहीं की क्योंकि हम स्ट्रांग थे, जहां हारे हैं बस वहीं चोरी हुई है ना, वहां पे ईवीएम सेट थी, मतलब ये बताते रहेंगे, ठीक है। अब एक बार धनंजय जी जो कहना चाहते हैं आपके जवाब में, आप कह रहे हैं किताब क्यों लिखी थी जीवीएल ने, और उसके बाद उसमें सवाल, मैं उसका जवाब देता हूं, जवाब दे रहे हैं, हाँ ठीक है जवाब दीजिए। न्यायालय को ही थोड़ा और पढ़े, न्यायालय के ही निर्देशों को थोड़ा और पढ़े, तो न्यायालय क्या कह रहा, न्यायालय कह रहा है कि चोर मचाए शोर, वो लोग जो बुलेट से बैलेट को लूट लेते थे, वो दशक था जब बिहार में लालू यादव कहते थे कि इसमें से जिन निकलेगा, मतपेटियों से जिन निकलेगा, उसके बाद के चुनाव उन्होंने कहा कि मतपेटियों से ब्रह्म पिशाच निकलेगा, और वो लगातार मतपेटियों की चोरी होती थी, लोग लेके भाग जाते थे, स्याही डालते थे, कुएं में डालते थे, चुनाव स्थगित होते थे, ये सब न्यायालय के आदेशों में आया है। न्यायालय ने कहा है कि क्या आप उस दौर में वापस जाना चाहते हैं, मैं न्यायालय के आदेशों का